बाद पाकिस्तान बनाकर उसके टुकड़े किए। मगर भारत का नक्शा हमारे पुरखों के द्वारा अफगानिस्तान तक उसकी सीमाएं थी। अफगानिस्तान तक क्या भूमि ए भारतवर्ष का हिस्सा थी। ए देख लो, नक्शा देख लो हमारे पुरखों का। और सम्राट गृहदत्त मौर्य आखिरी सम्राट, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने की। ध्यान रखो, नाम बता रहा हूं, पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने सम्राट गृहदत्त मौर्य उसकी हत्या की। और हत्या करने के बाद इस देश में ब्राह्मण राज की स्थापना हुई। साथियों, आज 11 अप्रैल 2023 चबूतरा 24 महम रोहतक, इस तारीख को ओबीसी महापंचायत के द्वारा शुद्राज क्रांति 2024 सम्राट अशोका की जयंती का भी आप लोगों ने यहाँ पंपलेट में उल्लेख किया हुआ है। साथियों, हरियाणा में हम लोग बरसों से संगठन शक्ति निर्माण करने का कार्य कर रहे हैं। ये संगठन शक्ति निर्माण करने के लिए सारे देश भर में आज 31 स्टेट में 31 राज्यों में ये संगठन का जाल फैला हुआ है। और सारे देश भर में 714 जिले हैं। आप लोगों को मालूम नहीं होगा मगर आपके हरियाणा में केवल 23 है, मगर सारे देश भर में 714 है। ये 714 में से 674 जिलों में हम लोगों का देशव्यापी संगठन है। और आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे, 6,500 तहसीलें हैं, 4,000 तहसीलों से ज्यादा संगठन की शाखाएं कार्यरत है सारे देश भर में। और 22,000 से ज्यादा ब्लॉक और 1,50,000 से ज्यादा गांवों में संगठन की शाखाएं कार्यरत है। इतना बड़ा, इतना विशाल संगठन है। एक कितना बड़ा विशाल संगठन है तो आरएसएस का हेडक्वार्टर ताला लगाकर भागना पड़ा। सारे लोग आरएसएस से डरते हैं, खट्टर है तुम्हारा, तो खट्टर है, एक खट्टर, खट्टर भी डरता है आरएसएस से, खट्टर भी डरता है। तो
खट्टर डरता है आरएसएस से, आरएसएस डरता है वामन मेश्राम से। तो आप अंदाजा लगाओ। साथियों, ये जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं संगठन शक्ति की, मेरी उम्र 18 साल 3-4 साल की रही होगी, 3-4 महीने की रही होगी, 18 साल 3-4 महीने, तब से ये काम कर रहा। आज मेरी उम्र 66 साल चल रही, 58 साल में आदमी रिटायर्ड हो जाता है, पता नहीं हरियाणा में कितने साल में होता है, 58 में होता है। और जब सरकार उसको रिटायर्ड कर देती है तो वो अपने से कहता है कि मैं टायर्ड भी हो गया। सरकार ने रिटायर्ड कर दिया और मैं टायर्ड हो गया हूं, अब मैं समाज का कुछ करने लायक नहीं रहा हूं। मेरी उम्र 66 साल है, लगभग 48 साल हो गए। ये आंदोलन को सारे देश भर में खड़ा करने के लिए जिंदगी के इतने साल लगाए, बहुत सारे लोग इतने उम्र के भी नहीं होंगे 48 साल के, यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी उम्र भी 48 साल नहीं होगी। तो 66 साल की अभी मेरी उम्र चल रही है, मैं अभी रिटायर्ड नहीं हुआ हूँ, टायर्ड भी नहीं हुआ हो, जंगे मैदान में अभी हूं। ये जो जंगे मैदान है देश का, उसमें जो लड़ाई चल रही है गैर बराबरी को खत्म करने की और देश में बराबरी स्थापित करने की जो लड़ाई चल रही है, वो जो जंग चल रही है, उस जंग के मैदान में मैं हूं। तो इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जंग है क्या। इस देश में आप लोग सुनकर और हैरान हो जाओगे, हमारे पुरखों का साम्राज्य था, राज था, मौर्य साम्राज्य, पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं है, ये मौर्य साम्राज्य हमारे पुरखों के द्वारा स्थापित किया हुआ राज्य था और वो अफगानिस्तान तक था। मौर्य काल का नक्शा भारत का देख लो, जो नया भारत का नक्शा है वो तो ब्राह्मणों ने तोड़ दिया, भारत पाकिस्तान बनाकर उसके टुकड़े किए, मगर भारत का नक्शा हमारे पुरखों के द्वारा अफगानिस्तान तक उसकी सीमाएं थी। अफगानिस्तान तक की भूमि ए भारतवर्ष का हिस्सा थी। ए देख लो, नक्शा देख लो हमारे पुरखों का। और सम्राट बृहदत्त मौर्य, आखिरी सम्राट, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने की, ध्यान रखो नाम बता रहा हूं, पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने सम्राट बृहदत्त मौर्य उसकी हत्या की। और हत्या करने के बाद इस देश में ब्राह्मण राज की स्थापना हुई, ये ध्यान रखो। और उस ब्राह्मण राज के सहारे से ब्राह्मणों ने शेड्यूल कास्ट की 1703 जाटू के टुकड़ों में उनको बांटा। जो आपके हरियाणा में शेड्यूल कास्ट है, वो सारे देश भर में 1703 टुकड़े हैं शेड्यूल कास्ट के, जिनको ब्राह्मण धर्म शास्त्रों के अनुसार अछूत कहा जाता है। जो अछूत है वो शूद्र नहीं है, ये ध्यान रखो। शूद्रों से भी नीचे जो लोग हैं
वो अछूत है। शूद्रों से नीचे तीन सामाजिक समूह है, एक शेड्यूल कास्ट है अछूत, दूसरा है शेड्यूल ट्राइब वो भी शूद्रा से नीचे है, और तीसरा है नॉमिनिक ट्राइब। ये तीन बड़े सामाजिक समूह ए ओबीसी शूद्रा के नीचे है, जिनकी संख्या देश में 35% से कम नहीं है। अगर 140 करोड़ जनसंख्या है और अगर उसमें 35% लोगों का अंदाजा लगाओ तो आपको कितने करोड़ लोग होंगे इसका अंदाजा आपको लगेगा। साथियों, इतने लोग वर्णा सिस्टम में शूद्र के नीचे है, और जो जिसे यहां पर शूद्राज क्रांति शब्द प्रयोग किया गया है वो शूद्र जातियों की संख्या 3743 जातियां है। मंडल कमीशन के अनुसार 3743 जातियां, जो ब्राह्मण नहीं है, जो क्षत्रिय नहीं है, जो वैश्य नहीं है, वो लोग इस देश में सारे के सारे वर्णा सिस्टम में अगर एससी एसटी नॉमिनिक टाइप छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे शूद्र वर्ण के लोग। कुछ शूद्र वर्ण के जो लोग हैं उन लोगों को मंडल कमीशन में ओबीसी माना गया, कुछ शूद्र जाति के लोगों को मंडल पिछड़े वर्ग में आता है क्या? नहीं आता, नहीं आता है। मगर वर्णा सिस्टम में वो भी शूद्रा है, बिल्कुल। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला है जी 1936 और सबसे बड़ा तो समाज शास्त्र का फैसला है। ब्राह्मण लोग कहा करते थे बातचीत के क्रम में जट बुट, जट बुट इसका क्या मतलब है? जाट बूट के बराबर है, ऐसा कहते थे। ये तो भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर ने एक वोट सब लोगों को दिया, उसके बाद बहुत सारा बदलाव आया। ये जानना ये समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए पहले तो मैं आप लोगों को ये जानकारी दे रहा हूं कि जो वर्णा सिस्टम में जो शूद्र वर्ण के लोग हैं ये त्रैवर्णिक लोगों की सेवा करने के लिए बनाया गया वर्ण है, मगर अभी जो दूसरा वर्ण है क्षत्रिय वर्ण है और क्षत्रिय वर्ण के लोग यहां स्टेज पर आए थे ए उन्होंने मुझे पगड़ी पहनाई राजस्थान से आकर। अभी आपने देखा ए क्षत्रिय वर्ण के लोग राजस्थान से आए थे ए उन्होंने पगड़ी पहना है। क्यों है मालूम? भारत में जब ब्राह्मण नहीं आए थे, विदेश में थे, विदेश से जब भारत में आए तो यहां जो प्रजा थी वो प्रजा नाग लोग थे। नाग लोग, ए नाग लोगों का साम्राज्य था। ए जो मौर्य साम्राज्य है ए नाग लोगों का साम्राज्य था। नवल वियोगी का नाम सुना होगा, ये आपके इलाके का है। नवल वियोगी डेप्टी डायरेक्टर सर्वे ऑफ इंडिया का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नवल वियोगी, उसने लिखा नागाज द एंशियंट रूलर ऑफ इंडिया। ये जो मौर्य थे ये नाग लोग थे। नाग लोगों ने इस देश में साम्राज्य स्थापित किया था। नाग इसके सबसे ज्यादा महान लोग थे। ए नाग लोगों की 6247 जाति के टुकड़ों में ब्राह्मणों ने टुकड़े किए। शेड्यूल कास्ट की 1703, आदिवासियों के 801 और पिछड़े वर्ग की 3743। तो 6247 जाति के टुकड़े ए नाग लोगों के टुकड़े किए। इस देश में हम सब लोग जिसे शूद्र कहा गया वो नाग लोग है।
आप लोगों को, हर जाति के लोगों को अपने जाति का गर्व होता है। जाति का गर्व गुलामी का गर्व है। मूर्खता का त्याग करना होगा। क्या कोई ये बात बता सकता है कि हमारे बाप ने, दादा ने, परदादा ने, लकड़ दादा ने जातियां निर्माण की? कोई नहीं बता सकता। बल्कि जो दस्तावेज उपलब्ध है उसके अनुसार ब्राह्मणों ने जातियां बनाई। ब्राह्मणों के धर्मशास्त्रों में इसके दस्तावेजी प्रमाण है। यदि आप मनुस्मृति पढ़ लो तो जातियां कैसे निर्माण हुई उसके सबूत आपको मिले। और ये जातियां निर्माण करने वाला ग्रंथ ए ब्राह्मणों के द्वारा निर्माण किया गया और ब्राह्मणों ने जातियां निर्माण की। सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद मनुस्मृति का निर्माण हुआ। कितने लोगों को पता है हमारे? मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि अनपढ़ लोगों को कितने लोगों को पता है, नहीं, ये नहीं कह रहा हूं। हमारे पढ़े लिखे लोगों को कितने लोगों को पता है? मैं तो पूछता ही नहीं हूं। अनपढ़ लोगों को पता है, कह रहे हैं पढ़े लिखे लोगों को पता है क्या? पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं। सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद मनुस्मृति लिखी गई। कितने लोगों को पता है रामायण लिखा गया? हमारी हत्या करने के बाद रामायण लिखा गया, कितने लोगों को पता है? दो चार लोगों को पता है, वो भी मेरा सुनने के बाद पता है। ये जो हाथ खड़े करने वाले हैं ना, वो मेरे वीडियो देख रहे थे, तो मुझे मालूम है। साथियों, सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद मनुस्मृति लिखी गई। सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद रामायण लिखी गई। आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे, बुद्ध के प्रवचन में, ध्यान रखो, बुद्ध के प्रवचन में जातक कथा का संदर्भ आता है। बुद्ध के प्रवचन में जातक कथा का संदर्भ आता है। उसमें एक जातक कथा है, दशरथ जातक कथा। उस दशरथ जातक कथा में बोधिसत्व राम है। वहां से पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद ब्राह्मणों ने दशरथ जातक की चोरी की और चोरी करके रामायण लिखा। अरे आप लोगों को क्या पता होगा, मैं ब्राह्मणों को चुनौती देता हूं, ब्राह्मण लोग मैं जो कह रहा हूं उसे गलत साबित कर दे, आपको क्या पता है? आप लोगों को क्या पता है? मैं तो उन पंडितों को जो दावा करते हैं कि वो पंडित है, जिनको कोई समझ ही नहीं है, उनको चुनौती देने का क्या मतलब है? पंडित बोलते ना अपने आप को, बहुत अकल है बोलते ना वो लोग, उनको चुनौती देकर कह रहा हूं कि तुम्हारे पुरखों ने दशरथ जातक की चोरी करके रामायण लिखा। ए चुनौती देकर कह रहा, ए रामायण चौर्य कर्म है। किसी की औकात है और किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला तो मेरे साथ बहस करने के लिए आए, और मैं अपने लोगों को बहस करने के लिए चुनौती नहीं दे रहा हूं, ब्राह्मणों को दे रहा हूं। वो आ जाए, पहली बात आपको बोल रहा हूं, ठीक है? एक जातक कथा, दशरथ जातक कथा की चोरी करके सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण के द्वारा हत्या करने के बाद रामायण लिखी गई। दशरथ जातक की चोरी करके रामायण लिखी गई, हो गया। रामायण छोटी है, महाभारत बड़ा है।
है, रामायण छोटी महाभारत बड़ा है। तो ब्राह्मणों ने 31 जातकों की चोरी करके महाभारत लिखा, 31 जातकों की चोरी करके महाभारत लिखा। महाचोरी, ये महाभारत नहीं है, ये महाचोरी है। और ये चोरी छोटे मोटे चोरों ने नहीं की, बड़े बड़े चोरों ने की, जिनके नाम बड़े आदर सत्कार से आप लेते रहते हैं। हमारे लोग बड़े आदर सत्कार से लेते रहते हैं, उनके पिछवाड़े पे लात मारने के लिए लिखा उन लोगों ने, हमारे लोगों के। तो ये जो चोर कार्य में उन्होंने लिखा चोरी करके, ये धर्म ग्रंथ के नाम पर हमारे लोगों के मन मस्तिष्क में थोपा, ये ब्राह्मणवाद का प्रचार करने के लिए लिखे गए धर्म ग्रंथ है, ऐसा बाबा साहब आंबेडकर ने